वारंगल के एक मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि उसने खुदकुशी की, हालांकि जो पिता है उनके उनका कहना है कि उसकी हत्या की गई है। जबकि मुख्य न्यायाधीश तक ने उच्च शिक्षा संस्थानों में बढ़ रही खुदकुशी पर चिंता जताई है। छब्बीस साल की प्रीति की अंतिम यात्रा में लग रहे हैं ये नारे। वारंगल काकातिया मेडिकल कॉलेज की ये पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रा की बीती रात हैदराबाद के निम्स अस्पताल में मौत हो गई। वहां उसे बहुत गंभीर हालत में लाया गया था। बताया जा रहा है कि एनेस्थीसिया की इस छात्रा ने बुधवार को कोई जहरीला ड्रग इंजेक्ट कर लिया, लेकिन पिता को संदेह है कि ये हत्या है। मेरी बेटी के फोन से उन्होंने फोन कॉल किया जब वो वेंटिलेटर पे थी, तो क्या ये लॉक नहीं हो गया था? मुझे संदेह है कि फोन पर किसी केमिकल की तलाश तब तक की गई जब उसे कुछ इंजेक्ट किया गया ताकि खुदकुशी लगे। मुझे संदेह है कि ये हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रीति के सीनियर मोहम्मद अली सैफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता की शिकायत थी कि वो उसे तंग करते थे और उन्होंने एक आधिकारिक शिकायत भी दर्ज कराई थी। वारंगल के पुलिस कमिश्नर एवी रंगनाथ ने एनडीटीवी को बताया कि प्रीति और अभियुक्त के सेलफोन में व्हाट्सएप चैट की जांच से पता चला है कि शोषण हुआ है और उसे रैगिंग के तहत देखा जा सकता है। इसके अलावा आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST के खिलाफ अत्याचार की रोकथाम कानून के तहत भी केस दर्ज हुए हैं। उच्च शिक्षा के संस्थानों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में IIT बॉम्बे में दर्शन सोलंकी की खुदकुशी का भी जिक्र किया और कहा कि इन संस्थानों को कुशलता के अलावा हमदर्दी का पाठ भी पढ़ाना चाहिए। हम कुशलता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अगर हम पढ़ाई या प्रोफेशनल जिंदगी में कुशल बन जाएं तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाती है, लेकिन एडुकेशन तभी पूरी होती है जब हमें हमदर्दी भी सिखाई जाए। एडुकेशनल इंस्टीट्यूट को सिर्फ कंपटीशन प्रमोट करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चों की जिंदगी के प्रति नजरिए पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें हमदर्दी एक अहम भूमिका निभाती है। इसी बीच वारंगल की एक तीसरे साल की छात्रा रक्षिता ने फांसी लगा ली क्योंकि किसी शख्स के साथ उसके फर्जी फोटो सोशल मीडिया पर आए। उसके दोस्त रहे अजमीरा राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।